दोस्तों कल सैटरडे था और कल के दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि परसों नेशनल सिनेमा डे था तो कमाई छप्पर फाड़ के हुई थी थिएटर में, लेकिन कल थोड़ा सा ठंडा रहा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जवान मूवी के बारे में। तो दोस्तों कल शनिवार था और जवान का 38वां दिन था थिएटर में और जवान ने कल 1,75,00,000 रुपए के करीब कमाई करी है। अब परसों के दिन की कंपेयर किया जाए तो ये कमाई काफी कम है, क्योंकि परसों जवान ने 4,80,00,000 रुपए के करीब कमाई थी, क्योंकि परसों टिकट सस्ती नेशनल सिनेमा डे था। लेकिन कल टिकट के प्राइस नॉर्मल थे और कल के दिन की जो कलेक्शन है बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर आप कंपेयर करें 38वें दिन के हिसाब से, 38वें दिन में गदर 2 ने कमाए थे 1,22,00,000 रुपए और पठान ने कमाए थे 1,07,00,000 रुपए। मतलब 38वें दिन के हिसाब से इसने भारत की तो बेहतरीन फिल्में पठान और गदर 2 को पछाड़ दिया है। अब थिएटर में ऑक्युपेंसी के बारे में बात करें तो इसकी कल ऑक्युपेंसी रही 13%। अब ओवरऑल डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है जवान का 633 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 1,133 करोड़ रुपए। दोनों में 33 आ रहा है, मतलब साथ साथ चल रहे, सिमिलर चल रहे दोनों के दोनों। मतलब जैसे ही 17 करोड़ रुपए कमाएगी भारत की पहली मूवी बन जाएगी 650 करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल करने वाली, और भारत की पहली मूवी बन जाएगी जिसने 1,150 करोड़ रुपए हासिल करे, सॉरी बॉलीवुड की पहली मूवी बन जाएगी। और भारत की 5वें नंबर की मूवी अभी बरकरार है। अगर इसको भारत की 4थे नंबर की सबसे सक्सेसफुल मूवी बनना है तो इसको 1,235 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे और KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर 3रे नंबर की बनना है तो इसको RRR का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा और 636 करोड़ रुपए कमाने, सॉरी 1,236 करोड़ रुपए कमाने होंगे। और देखने में तो ये रिकॉर्ड नियर टू इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जवान को अभी भी 100 करोड़ रुपए और कमाने इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन ये तब कमा पाएगी जब ये थिएटर में इतने दिन टिकेगी। 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए इसको कम से कम 50 दिन और थिएटर में रहना होगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब नई नई मूवीज आ रही है। इस हफ्ते 5 मूवीज आ रही है, उसके बाद में टाइगर भी आएगी, एनिमल भी आएगी, कितना रह लेंगे थिएटर में, पुरानी मूवीज भी चल रही है। तो जवान का लगभग अब मुझे लगता है कि जवान इस महीने के एंड तक थिएटर से उतर जाएगी। अभी जवान को जो सबसे ज्यादा टक्कर मिल रही है वो फुकरे 3 मूवी से है, और इवन मुझे कहना चाहिए कि फुकरे 3 मूवी की वजह से जवान के कलेक्शन का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि मिशन रानीगंज के कलेक्शन से ही जवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टेबल ही रहा। लेकिन जब फुकरे 3 आई थी उसके बाद से जवान का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए क्रॉस नहीं कर पाया ज्यादा, तो इस फैक्ट को तो बदला नहीं जा सकता। बात करें आज के दिन के कलेक्शन के बारे में तो मुझे लगता है आज संडे है तो आज भी जवान का जो कलेक्शन है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच रहने वाला है और इसकी ऑक्युपेंसी भी थिएटर में 12-13% के करीब रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन रानीगंज पहले दिन से ही स्ट्रगल कर रही है थिएटर में और इसका जो टोटल कलेक्शन था पहले हफ्ते का वो 20 करोड़ रुपए से भी कम था। लेकिन नेशनल सिनेमा डे जो कि परसों था शुक्रवार को, उस दिन इस मूवी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी, परसों जो इसका कलेक्शन है वो 4,75,00,000 रुपए तक पहुंच गया था, क्योंकि टिकट के प्राइस लगभग 50% डिस्काउंट पे आ रहे थे। कल शनिवार था, मिशन रानीगंज का कल 9वां दिन था थिएटर में और इसके टिकट के जो प्राइस थे कल कोई डिस्काउंट नहीं था, तो कल इसने कमाई करी 2,05,00,000 रुपए की। इसके साथ इसका कलेक्शन 25 करोड़ रुपए हो जाता है। और कल के दिन की ऑक्युपेंसी की बात करें तो कल जितनी भी मूवीज चल रही थी थिएटर में उनमें सबसे ज्यादा ऑक्युपेंसी थी मिशन रानीगंज की 17% के करीब। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिव साइन है इस मूवी के लिए। मतलब अंदर से मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मूवी सेकंड वीक में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और इसका कलेक्शन जो है 35 करोड़ रुपए क्रॉस कर देगा इस हफ्ते। और ये मूवी बहुत ही शानदार है, इसका रिव्यू लेकर मैं बहुत ही जल्द आपके पास में आने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अक्षय कुमार ने भी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जिंदगी में बहुत सारी मूवीज में काम किया अपने करियर में, लेकिन अपने करियर की अगर कोई अच्छी एक मूवी को चुनना पड़े जो करियर की सबसे बड़ी और सबसे ऑनेस्ट मूवी अगर कोई है वो है मिशन रानीगंज। अगर एज ए एक्टर अगर कोई इतनी बड़ी बात बोलता है तो उस बात में जरूर कुछ ना कुछ बात होती है। तो उस बात को जानने के लिए मैंने मिशन रानीगंज मूवी देखी और मुझे पता चला, रियलाइज हुआ कि वाकई अक्षय कुमार ने ये बात क्यों बोली है। तो आप इस मूवी को देखिए, उसके बाद आपको भी रियलाइज होगा कि इतनी बड़ी बात जब एक एक्टर बोलता है तो कितना कनेक्टेड होगा इस मूवी से, इस मूवी की जो रियल स्टोरी है उससे, और इस मूवी के करेक्टर जसवंत गिल से अक्षय कुमार कितना कनेक्टेड रहे आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के कलेक्शन के बारे में। आज संडे और इसका 10वां दिन है तो मुझे लगता है आज भी इसका कलेक्शन 2 करोड़ रुपए से ऊपर ही रहेगा और हो सकता है कि 2.5 करोड़ रुपए भी क्रॉस कर जाए आज का कलेक्शन। और थिएटर में ऑक्युपेंसी भी मेरे ख्याल से शायद 20% से भी ज्यादा हो सकती है आज के दिन। कल 17% थी, आज शायद 20% के आसपास हो जाएगी, बढ़ेगी। फुकरे 3 का कल 17वां दिन था थिएटर में और उसका 3rd वीक स्टार्ट हो चुका है और कल उसने कमाई करी थी 1,90,00,000 रुपए के करीब और थिएटर में इसकी ऑक्युपेंसी रही थी 15% के करीब। इसके साथ इसका जो टोटल कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 88 करोड़ रुपए और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा 112 करोड़ रुपए। अब ये मूवी इतिहास रचने से सिर्फ 12 करोड़ रुपए की दूरी है। जैसे ही ये 100 करोड़ क्लब में एंट्री होगी तो ये फुकरे फ्रेंचाइजी की पहली मूवी बन जाएगी जिसने भारत में 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो ये काफी गर्व की बात होगी फुकरे फ्रेंचाइजी के लिए भी और पुलकित सम्राट के लिए भी, क्योंकि उनकी भी आज तक कोई भी मूवी 100 करोड़ क्लब में शामिल नहीं हो पाई।
लेकिन इस हफ्ते फुकरे के लिए खतरा बनने वाली मिशन रानीगंज मूवी। हालांकि पिछले हफ्ते ये मूवी रिलीज हुई थी लेकिन तब फुकरे तेरे को इससे ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही परसों नेशनल सिनेमा डे के बाद में इसके कलेक्शन ने रफ्तार पकड़ी तो इसकी माउथ मार्केटिंग कह लो या कुछ भी कह लो, अब लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है। कल का जो कलेक्शन था वो भी फुकरे 3 से ज्यादा था इस मूवी का। इसने कल कमाए थे 2,05,00,000 रुपए और फुकरे का मैंने आपको बताया कि 1,90,00,000 रुपए के करीब कमाए हैं इसने। तो मेरा मानना है कि इस हफ्ते मिशन रानीगंज का जो कलेक्शन है वो बूस्ट होने वाला है और फुकरे 3 को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, तो इसके लिए 100 करोड़ क्लब में एंट्री पाना आसान नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आज के कलेक्शन के बारे में। आज थर्ड संडे फुकरे 3 मूवी का, तो मुझे लगता है आज ये 2 करोड़ रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाएगी और इसका जो थिएटर में ऑक्युपेंसी रहेगी वो 20% के अराउंड रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी रियल फैक्ट रियल फिगर कल पता चल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मेरे को एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो आए, अपडेट आए, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।